subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. महत्वपूर्ण जिहड़ियां कि पंजाब दे लई बहुत जरूरी है, पंजाब दी तरक्की दा मुड बढ़न वास्ते कुछ फैसले सरकार नूं लेने बहुत जरूरी है। साडी वेलफेयर स्टेट स्टेट दी राज दी जिम्मेवारी हुंदी सरकार दी कि उह अपने राज दे नौजवानां नूं परिवारां नूं वसिंदियां नूं उपर चुके चंगी पढ़ाई दवे, चंगी सेहत दवे, ते रोटी रोजी का मसा उनका हल करे, ते रहन वास्ते पक्की छत दवे। सो उस बारे मैं थोड़े नाल गल करना चाहुंदा कि जदों एक गरीब आदमी परिवार दे विच पैदा हुंदा तो उसनू क्या क्या मुश्किलां आउंदियां, एक मिडिल क्लास की फैमिली क्या क्या मुश्किलां आउंदियां, एक छोटे किसान दुकानदार नू क्या क्या मुश्किलां आउंदियां, वो मैं अपने जीवन च हंडाइयां देखियां होईयां। उन्हां दे आधार ते ऐसी आने वाली सरकार दे कुछ फैसले ले रहे, क्योंकि जिस तरह परिवार चलता है उस तरह सरकार चलती है। एक घर को चलाना का तरीका जिस तरह होंगे उस तरह एक सरकार नू, एक राज नू चलाने के तरीके होंगे। सो इसलिए मैं बेनती करना चाहता है कि आटा दाल के नाल ठीक है, आटा दाल भी जरूरी है, इस भी दे रहे हैं तो देनी है, लेकिन आटा दाल देने दे नाल पेट तो भर देगा, तरक्की नहीं होएगी। पंजाब के लोग नू तरक्की करने वास्ते सूबे की तरक्की वास्ते सिक्ख्या एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज एजुकेशन बड़ी महंगी मिल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां प्राइवेट कॉलेजों के विच आम आदमी अपने बच्चे नूं नहीं पा सकता। मैं घर के गरीब घर के विच पैदा होके मेरे पिता ने मेहनत करके साडे परिवार नूं पढ़ाया, जे पढ़ाई ना होंगी तो गरीबी दे विच होर चारा नहीं सी निकलन दा, ते ना ही अज मैं इत्थे बैठा हुंदा। इसलिए असी फैसला कीता है कि सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हर परिवार नूं पढ़ाई दवे ताकि वो परिवार अगे निकल सके। इसलिए सरकारी स्कूलां सरकारी कॉलेजां सरकारी यूनिवर्सिटियां दे विच ऐसी पढ़ाई फ्री करा, इस दे नाल नाल प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसी स्कॉलरशिप दोबारे तो असी चलाया, तीन साल अकाली दल ते बीजेपी की सरकार ने बंद रखे, चार साल इसनों तगड़ा करना, होर स्ट्रेंथन करना, ते नाल नाल पिछड़े वर्ग वास्ते बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे स्टूडेंट है नौजवान उन्हां वास्ते भी बीसी स्कॉलरशिप स्कीम चलानी। लेकिन मैं इस तो अगे की सोचदा नाल नाल जिहड़े बच्चे जनरल कैटागरी के भी है उत्थे भी गरीबी है, उत्थे भी पिछड़ापन है, उत्थे भी मिडल क्लास है, छोटे किसान भी हैं, दुकानदार भी हैं, उन्हां दे बच्चियां दी कोई सार नहीं लगता। जेड़े उन्हां दे बच्चे पढ़ नहीं सकते उन्हां दी भी सरकार की जिम्मेवारी है एक वेलफेयर स्टेट होंदे हुए। इसलिए असी जनरल कैटागरी स्कॉलरशिप स्कीम लेके आवांगे जिहड़ी ऐसी बीसी दे नाल नाल जिहड़े जनरल कैटागरी दे मिडल क्लास गरीब फैमिलियां दे बच्चे है उन्हां नूं भी असी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करांगे, स्कॉलरशिप स्कीम चलावांगे। तो ये बड़ा जरूरी है क्योंकि गरीबी और मिडल क्लास के फैमलिया छोटे किसानों के फैमलिया दुकानदार छोटे व्यापारियों की फैमिलीज़ में अज पढ़ाई की दिक्कत आ रही, फीसा बहुत हो गई स्कूलों कॉलेजों के,
इस करके नाल दी नाल एक फी रेगुलेशन कमीशन पंजाब दे विच बनाया जाएगा जेड़ा जेड़ी कॉलेजां दी यूनिवर्सिटियां दी फीस है फीस इनू रेगुलेट करन वास्ते ताकि यह एक स्कूलां दे विच सही पर जायज फीस लई जावे प्राइवेटां विच वी उहदे वास्ते कमीशन पंजाब दे विच तैयार कीता जाएगा जेड़ी जिहदा काम यह होएगा कि वह फी निर्धारित करे फीस निर्धारित करे ये साडा हैल्थ दे बारे च प्रोग्राम है ते नाल नाल मैं बेनती करना चाहुंदा कि किता मुखी पढ़ाई नूं असीं उत्साहित करांगे चमकौर साहब दे विच यूनिवर्सिटी बन रही है 42 एकड़ दे विच मेरा हलका है 500 करोड़ रुपया असीं इस यूनिवर्सिटी ते लगा रहे मेरा यह प्राइम प्रोजेक्ट है मेरा एक सुपना कि स्किल यूनिवर्सिटी जिहड़ी असीं तैयार कर रहे उहदे विच बच्चे का हुनरमंदी करके उहदा हुनर डिवेलप करके उहनूं उत्थों ही नौकरी दवाउणी है बाहरले देशों के नाल इस यूनिवर्सिटी नूं जोड़िया गया है बाहरलियां यूनिवर्सिटियां दे नाल जोड़िया गया है इंपलायबिलिटी क्रिएट करन दा एक बड़ा भारी साधन 50,000 बच्चे ने इत्थे पढ़ना है इसलिए असी जोर देना कि हर बच्चे नूं असी रुजगार दे सकीए नौकरी दे सकीए उहदे वास्ते इंट्रस्ट फ्री लोन मुहैया करवाउणे नौजवानों का कारोबार सैट करना ये सरकार की जिम्मेवारी होएगी ये वास्ते असी पंजाब सरकार की कैबिनेट के पास करके एक गरंटी स्कीम लेके आए हैं ये 3 महीने के मैं लेके आती है जिदे नाल सरकार की जिम्मेवारी होएगी कि वह नौजवानों नौकरी सरकारी प्राइवेट या रोजगार या जिहड़ा नौजवान बाहर जाना चाहुंदा उहनूं इंट्रस्ट फ्री लोन दे के जे वह बाहर पढ़ना चाहुंदा है या रोज़गार करना चाहुंदा है उहदा जाण दा खर्चा आउण दा खर्चा बाहर दी पढ़ाई दा खर्चा वह सरकार अपने जुम्मे लेगी ये साडा अज दा एक प्रोग्राम है जिहड़ा तुहानूं दस्सिया है नाल नाल मैं बेनती करना चाहुंदा कि मैनूं सिर्फ 3 महीने ही मिले लेकिन जेकर 5 साल मिलदे तो सब तो पहला जिहड़ा मैं सिग्नेचर करने चिट्ठी दे 1 लाख सरकारी नौकरियां दा होएगा पहले साल असीं 1 लाख नौकरी सरकारी नौजवानों नूं देवांगे ये असीं जो कहा 3 महीनों हर चीज़ लागू हुई है पेट्रोल दे रेट घटे है डीजल दे रेट घटे है बिजली दे रेट घटे है बिजली दा बकाया माफ होया पानी दे रेट घटे है पानी दा बकाया माफ होया जो कहता वो सवेर टाइम लागू हो गया तुहानूं सारियां नोटिफिकेशन 150 फैसलियां दीआं दिखाईआं होईआं इसलिए जो मैं अज कह रहा वो भी लागू होएगा अरे बचन रहेगा मेरा मैं कोई एवें फालतू गल्लां नहीं करदा 1 लाख नौकरी की पहले ही साइन करने की गल की तो करांगा ते नाल नाल सेहत दे नाल नाल हैल्थ दे नाल नाल एजुकेशन दे नाल नाल हैल्थ भी बहुत जरूरी है सेहत बहुत जरूरी अज आम लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही पिता खराब हो गया ऑपरेशन जोगे पैसे ने गुर्दा खराब हो गया ऑपरेशन जोगे पैसे ने सेहत खराब हुई है इलाज जोगे पैसे ने यह ऐसी जूड़ बढ़ना है एक नवी चीज़ असी लेके आ रहे बाहरले देशों के हैगी है कि बंदा हस्पताल सरकारी जाके बह जाए ऐसी 9/9 करके उन घर भेजना फ्री हैल्थ सर्विसिज देनी है कोई पैसा नहीं लगेगा ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं लगेगा उसे एंट्री का साड़ी जिम्मेवारी होगी अगले दी हेल्थ ठीक करके देना देखो सरकारां माई बाप होंदियां इन्होंने देखना होगा कि साड़े सूबे की सेहत ठीक रहे लोगों की उन्होंने पढ़ाई मिले तो रोज़गार मिले मैं 3 चीज़ों पर जोर दे रहा तो आखिरी जिहड़ी अज मैं गल करनी है मैं अपनी जिंदगी तो सब कुछ सीखदा अपनी जिंदगी जो हंडाया है जिस तरह गरीबी देखी है जिस तरह मिडिल क्लास फैमिली देखी उस तरीके नाल मैं सारा कुछ सोचदा
जिस तरीके दे नाल मैं पढ़िया उही दिक्कतां नौजवानों नूं आ रहीआं, जिस तरीके नाल मैं काम लभिया उसे उही दिक्कतां लोकां नूं आ रहीआं। इस करके एक बड़ी भारी दिक्कत है। मैं ठीक है, गरीब घर दे विच पैदा होकर कच्ची छत सी मेरी, कच्चा सी थले, ये कोई लुकी हुई गल नहीं, ये सारी दुनिया नूं पता है। लेकिन अज भी 70-80 साल बाद भी लोग कच्चे मकान रेंदे, कच्चियां छत्तां च रेंदे, कच्चे फर्श है। ये मेरे दिल की पीड़ा है, ये मैनू तकलीफ है। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर जे मौका मिल गया, लोगों ने देता तो 6 महीने के अंदर अंदर कोई पंजाब की छत कच्ची नहीं रहेगी, कोई कंधा थले ते कच्चा नहीं रहेगा। हर किसी नूं पक्की छत देना सरकार की जिम्मेवारी होवे ना होवे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी की जिम्मेवारी जरूर है। जे मैं ये चीज़ां भुगियां है तो मैं अपने पंजाब के गरीबों नूं नहीं भुगन देनियां। उन्हां दीआं छत्तां क्यों चुवे जे मेरियां चुंदियां सी 70 साल पहला, 80 साल पहला, 60 साल पहला, 50 साल पहला, ठीक है। लेकिन अज आजादी तो इन्नी देर बाद भी लखां घर कच्चियां छत्तां च रहे पंजाब दे, ये मेरे तो देखिया नहीं जा रहा। ये मेरी पीड़ा है और ये मेरा जनून है कि तैनू मैनू मैं अंदर अपने कोस रहा कि मैं जे 3 महीने नालों ज़्यादा टाइम मिल जाता तो मैं कर देना सी। 10 करोड़ रुपया मैं अपने चमकौर साहब हल्के वास्ते भेजे, उन्होंने छत्तां सवारन वास्ते इलैक्शन बोर्ड लग गया, बंद नहीं होया, अजे भी डीसी कोल पिया। मैं पंजाब दे हर वो घर, मेरा घर है जिहड़ा अज भी कच्चा है, उन्हां नूं अपना रहा ते उन्हां नूं पक्की छत देना, पक्का घर देना जिम्मेवारी मेरी है। जिन्ने मर्जी पैसे लगन, जिथों मर्जी लियावां, पहलां भी आंदे 33,000 करोड़ रुपया 3 महीने वंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहिंदा पहलां FM कही जांदा सी पैसे नहीं सिर मारी जांदा सी, चन्नी आ गया 33,000 करोड़ वंडदा किथे ते आया, वो मेरी जिम्मेवारी है किथे ते लेके आना। फ्री एजुकेशन देनी, रुजगार देना, हैल्थ सर्विसिज देनिया, कच्चियां छत्तां नूं पक्का करना। ते कल असीं जिहड़ा अनाउंसमेंट कीती है कि 8 सिलेंडर बीबियां नूं रसोई चलाउण वास्ते देने, ये चीज़ां मेरे दिल दीआं हैं। इसलिए ये चीज़ां असीं 100% करांगे। इस तों अगे मैं थोड़ा जिहा ये जिहड़े आम आदमी पार्टी वाले रौला पाउंदे फिरदे है उन्हां बारे दसना चाहुंदा कि यार क्या ये रोज़ झूठ बोलते रहे कोई ना कोई आके। ये बाहर तो बंदे आके सारा दिन पंजाब नूं बदनाम करी जांदे, झूठ बोली जांदे है। मैं हैरान है ये बदलाव की गल करते हैं, ये बदलाव लेके किहदे वास्ते आना, ये तो देख लो ना। आखिर तो 117 MLA जिहड़े खड़े है उन्हां दा ही बदलाव आना है। एक पार्टी दे हारने दूसरे जितने तो वह है कौन है? आम आदमी पार्टी जिन्होंने वोटा पवाना चाहती है, जेडे कहिंदे जी बदलाव लेके आओ साडे कैंडीडेट नूं वोट पाओ, कैंडीडेट कौन है? हर तीसरा चौथा बंदा आम आदमी पार्टी का जेड़ा कैंडीडेट है वो क्रिमिनली इनवॉल्व है पर्चियां दे विच। मेरे नाल डिबेट कर लवे सामने आके केजरीवाल, कल्ला भगवंत मान नूं बैठा के कोल झूठ बोल जांदा हर रोज, झूठ दे सिर ते अपनी सारा व्यापार खड़ा कराया वा, पंजाब नूं लुट्ट दे इरादे नाल फिरदे आ इत्थे बाहर तों आके लोग जिन्हां कोई लग अगा ने पंजाब दे नाल। मैं बेनती करना चाहुंदा कि मेरे पास लिस्ट है, हर चौथा या तीसरा बंदा इन्हां दा क्रिमिनली इनवॉल्वड है, परचे हैं। पहले नंबर ते सब तो ज़्यादा क्रिमिनल बंदे अकाली दल दे 60 है, दूए नंबर ते इन्हां दे है आम आदमी पार्टी दे जिन्हां दा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो मैं एक गल होर करना चाहना कि बदलाव किहदे वास्ते लिया रहे? 117 कैंडीडेट बनाने ना आम आदमी पार्टी ने, उहदे विच 44 बंदे वो है 117 चों, हालांकि 50 तो ज़्यादा, लेकिन हाँ मेरे पास 44 बंदियां दी लिस्ट है जेड़े अद्धे बंदे ना 12 दूसरियां पार्टियां चों आए हुए हैं।
जद जादू छड़ी घुमा उपर न जो दुध देवता हो जाए। अमित सिंह मंटू सुजानपुर तो पहला कांग्रेस वालों पिछली बार इलेक्शन लड़िया सी, बहुत माड़ा सी, हूँ इन्ह बने तो इलेक्शन लड़ रहा, हूँ दुध धोता हो गया, हूँ ये बदलाव हो गया। भोआ तो लाल चंद इलेक्शन लड़ रहा, ए बी मार्क्सिस्ट पार्टी चो आया वा। विभूति शर्मा पठानकोट तो इलेक्शन लड़ रहा, कांग्रेस पार्टी का MCC पहला चेयरमैन रहा, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का 5 साल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन रखा कांग्रेस ने लगा के, ज्यादा माड़ा सी हूँ टिकट दी चंगा हो गया। पठानकोट तो विभूति शर्मा, गुरदासपुर तो रमन बहल, साडा नौकरियां देने वाली जिहड़ी चेयरमैनी है वो ये सी, जे नौकरियां नहीं दित्तियां तां इहने नहीं दित्तियां, ते अज आम आदमी पार्टी ने टिकट देती तो यह बहुत बड़ा वधिया बंदा हो गया। कहते जी बदलाव लेके आओ, हुण इन्हां लोकां दा बदलाव लेना है। जे तो वह कांग्रेस विच है तो कहते जी इन्हें नौकरियां नहीं दित्तियां, ये चेयरमैन सी रिक्रूटमेंट बोर्ड का जेडे कि नौकरियां देंदे है, 5 साल रहा, आखिरी महीने चक के आम आदमी ने टिकट दे दी है, हूँ कहते जी बहुत वधिया हो गया, हूँ साढ़े कहीं तो रोज़गार दूगा, असं रोज़गार देंगे। गुरदासपुर तो रामन बहल, कादियां तो जगरूप सिंह श्रोमणी अकाली दल चो लेके आया, उन्हें ज्वाइन कराया। डेरा बाबा नानक तो गुरदीप सिंह रंधावा कांग्रेस पार्टी को हुणे लेके आंदा। मजीठा तो सुखजिंदर राज सिंह लाली, ये पिछली बारी कांग्रेस पार्टी चो इलेक्शन लड़िया सी मजीठे के खिलाफ, ऐसी चेयरमैन लगा के रखा, हूँ इनू आम आदमी पार्टी ने टिकट देती क्योंकि इसके भाई ने टिकट देती है, हूँ दुध धोता हो गया। अगला सुनो, अटारी तो ADC जसविंदर सिंह सातों टिकट मंगता सी नहीं दी कांग्रेस को, उधर देती है। खेमकरन तो स्वर सिंह धुन, कांग्रेस पहला पीपी पार्टी च रहा फिर कांग्रेस च रहा, हूँ इन्हों का कैंडिडेट है। भुलथ तो रणजीत सिंह राणा कांग्रेस पार्टी छड़ के हुणे टिकट दिती है। फगवाड़े तो जोगिंदर सिंह मान, बूटा सिंह का भाणजा, साढ़े पास से 4 इलेक्शन लड़िया, कांग्रेस में मंत्री भी रहा, ऐसी टिकट नहीं दिती, तो हूँ वो कहें जी बहुत वधिया बंदा हो गया, तो बहुत चंगा बंदा है, आम आदमी पार्टी तो जिताओ बदलाव लेके आना, ये बदलाव है। होर सुनो, फगवाड़ा तो जोगिंदर सिंह मान, नकोदर तो इंद्रजीत कौर मान श्रोमणी अकाली दल छड़ के आई है, जलंधर वैसे तो शीतल अंगरवाल BJP छड़ के आया, जलंधर सेंट्रल तो रमन अरोड़ा कांग्रेस छड़ के गया, जलंधर नॉर्थ तो दिनेश ढल कांग्रेस छड़ के गया, दसूहा तो करमवीर सिंह पहला अकालिया चो सी फिर इंडिपेंडेंट लड़िया फिर कांग्रेस चो लड़िया हूँ आप विच है। उस तो बाद हुशियारपुर के ब्रह्म शंकर पहला कांग्रेस विच सी हूँ आम आदमी पार्टी च, गंगा तो कुलजीत सिंह पहला कांग्रेस विच फिर BJP च गया हूँ आप वालों इलेक्शन लड़ रहा। नवा शहर तो ललित मोहन, ये बल्लू मुंडे का नाम है, नवा शहर विच कांग्रेस पार्टी वालों प्रधान सी म्यूनसिपल कमेटी का, टिकट मंगता सी असी नहीं दिती, हूँ आम आदमी ने देती है, दुध धोता हो गया। बलाचौर तो संतोख कटारिया कांग्रेस वालों लेकर लड़ी किन्नी बार, इहदा सहुरा के बापू मंत उत्थे MLA रहा कांग्रेस वालों, ऐतकी आपने देती हूँ कहते जी बदलाव लेके आओ, ये नवे बंदे आ गए। यार केड़ा नवा बंदा है इन्हे विच, मैं तुहानू गणाउंदा सारी लिस्ट। बंगा तो कुलजीत सिंह, नवांशहर तो ललित मोहन, बलाचौर संतोख कटारिया, श्रोमणी अकाली दल का बंदा पहला श्रोमणी अकाली दल च सी, कुलवंत सिंह मोहाली तो, हूँ कुलवंत ने देखो फतेहगढ़ साहब तो अकाली दल वालों इलेक्शन लड़ी, अकाली दल च पहला रहा, बदल के दूसरे पासे गया, हूँ आपने टिकट दे दी, कहते जी हूँ बहुत वधिया बंदा हो गया, जब दूए पासे सी माड़ा सी। बसी पठाणा तो गुरपिंदर सिंह हैप्पी कांग्रेस के विच पहला रहा, तो हूँ इधर टिकट दी है। फतेहगढ़ साहब लखबीर सिंह राय पहला DCC प्रेजिडेंट सी कांग्रेस का, जिला प्रधान जिन्हों टिकट दी है, हूने असी बनाया सी, हूँ किस तरह वधिया हो गया।
ये मेरे पास 50 तो ज़्यादा बंदियां दी लिस्ट है जेड़े कैंडीडेट दूसरिया पार्टियां चो लिया के बदलाव कहते लेके आना है। ये केजरीवाल है, ये क्रांतिकारी है, ये भगत सिंह दी पंगा बन के झूठ बोलते हैं। तो बंदे उही जेड़े लोगों ने भी रिजैक्ट करते, जेड़े पार्टियां दूसरिया ने भी रिजैक्ट करते, वो बंदे नूं बदलाव देवांगे। आत्मनगर तो कुलवंत सिंह शराब का ठेकेदार है, कांग्रेस की टिकट मंगते 3 टर्न हो गई नहीं मिली, ऐतकी अकाली इन वाल आम आदमी वाल चलेगा, लो जी बदलाव लेके आना। लुधियाना ईस्ट तो दलजीत गरेवाल भोला पहला कांग्रेस रहा, फिर अकाली दल च रहा, फिर लोक इंसाफ पार्टी च रहा, सब पासे घूम के आ गई बकरी, किसे किला नहीं मिलिया। हूँ चक के आम आदमी पार्टियां ने टिकट दी, कहते बदलाव लेके आओ। लुधियाना नॉर्थ तो मदन लाल बुग्गा कांग्रेस च रहा, फिर अकाली दल च रहा, कितने ढोई नहीं मिली, टिकटा नहीं मिली, हूँ इधर आ गया बदलाव लेके आओ। पायल दे विच ग्यासपुरा लोक इंसाफ पार्टी चो आया, आम आदमी पार्टी की टिकट मिली है। रायकोट तो हुकम सिंह ठेकेदार अकाली दल चो आया, वैसे अकाली दल बड़ा माड़ा है, उन्होंने बंदे लिया के बदलाव वास्ते लिया, वह बदलाव लेके आना है। जीरा तो नरेश कटारिया सारी दुनिया जानती कांग्रेस पार्टी च रहा, तो जद बहुत माड़ा सी हूँ आम आदमी ने टिकट देती। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, अज तो ज़्यादा मैं इतों पार्टी दे देना। अरे अरे ठहरो ना, ठहरो ना, थानू भी मौका दूंगा, मैनू बोलन दो। अज तो ज़्यादा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उन्होंने लिस्ट है जेडे दूसरिया पार्टियां चलो आए, फिर कहते असी बदलाव देना, कि बदलाव देना जी, जे रिजैक्ट करे बंदे जिन्होंने किसी ने नहीं पूछा, वो तुसी टिकटा देती हूँ उन्होंने बदलाव देिए। इस तो अगे मैं बेनती करना चाहता कि टोटल जिनी कंपेन है झूठ दे सिते खड़े कर केजरीवाल, भगवंत मान को बोलने का मौका को नहीं, कोल बटा लेंदा है। भगवंत मान की अनपढ़ता का अज सू नुकसान हो रहा, जे वह पढ़िया लिखा हों माड़ा मोटा बोलता, हूँ 12वीं 3 साल लगाए है, उन्हें आप लिखिया कि मैं 12 पढ़िया तो नहीं कैलीबर है, इस करके इन्हें भी गुठा छावे बंदा लभना। पहले कह रहे सी कि जी एक मौका केजरीवाल को, 3 महीने करोड़ों रुपया अरबा रुपया पंजाब च ऐड पढ़ाता पैर नहीं लगे, हूँ लिखे लाता एक मौका केजरीवाल को, भगवंत मान को। फिर भी कल्ला के भगवंत मान नहीं है, पहला केजरीवाल का नाम है। सत्कारयोग तुसी तां सारे सियाने बंदे हो, सब जानते हो कि हरियाणे का रहने वाला केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हरियाणे नाल साडे झगड़े देखो किन्ने हैं, चंडीगढ़ का मसला साडा उन्होंने नाल, साडा पानी का मसला SVL का, हरियाणा ते दिल्ली दोनों नाल केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री एफिडेविट दिता है कि SVL निकलनी चाहिए है, दिल्ली अते हरियाणे नूं पानी जाना चाहिए, साडा झगड़ा इन्हां दे नाल। और यह पंजाब दे खिलाफ हो के पंजाब दा दुश्मन बन के सुप्रीम कोर्ट दे विच एफिडेविट दे के साडे खिलाफ लड़ रहा, पंजाबियां दे पंजाब दे पंजाबी बोलदे इलाकियां दा झगड़ा इन्हां दे नाल, हरियाणा ते दिल्ली दे नाल। ये हरियाणे का रहने वाला है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, साडा हर झगड़ा इन्हां दे नाल है, साडे वाले भौंदू पता ही कुछ नहीं, उहदे कित्थे सैन करा लवे, फिर किस तरीके दे नाल पंजाब दा चलेगा काम। ऐसा बंदा जिहड़ा पंजाब दे खिलाफ एफिडेविट दे रहा है, और होर देखो किसान संघर्ष होया, किसानों के खिलाफ कानून बने, पंजाब के खिलाफ कानून बने से असल दे विचों 3 काले कानून, किसानों ने लड़ाई लड़ी पूरे देश में, BJP दीआं सरकारां नूं छड्ड के सिर्फ एक सरकार ने। हुण देखो किड्डा बड़ा झूठ है कि जी हर रोज़ कहते चन्नी दी 170 करोड़ की आमदन है, तुसीं तां
पत्रकार वीर है, तुसी देखो ना कि मेरी आमदन की प्रॉपर्टी, कहने जी चन्नी की 170 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्हें एफीडेविट दिता है, तुसी एफीडेविट देख लो किन्ने की प्रॉपर्टी है, 2-4 करोड़ 170 करोड़ दस लग गए, किसी गल पर तो खड़े ने झूठ झूठ पर बुनियाद क्यों कर रहे, ये समझ के अनपढ़ लोग है पंजाब के जो असी बोलते सुनी जाते हैं और असी उदी मनी जाते हैं। इसलिए मैं थोनू सारे वीर जी एक मिनट मेरी गल सुन लो, मैं बेनती करना चाहता कि ये जिहड़ा झूठ का व्यापार इन्होंने शुरू किया वा, कदे ईडी मेरा नाम जोड़ देंगे, कदे रेते मेरा जोड़ देंगे, अज मेरी प्रॉपर्टी 170 करोड़ की बनाती। मैं चैलेंज करना, चलो ये भगवंत मान अपनी प्रॉपर्टी मैं दे दे, मेरी आप ले लो जे मेरी 170 करोड़ की, करे तो सही ना 25 एकड़ जमीन है, मेरे पास 60 भी नहीं है, 25 एकड़ मनू आ जानी उल्टी, किन्ना झूठ है। मैं अज फिर चैलेंज कर रहा कि चाहे केजरीवाल चाहे भगवंत मान अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाल एक्सचेंज कर लवे, फिर भी मेरा अजे 170 करोड़ है। पर यह गल् झूठ पर खड़िया नहीं करनिया चाहिए। इसलिए मैं थोनू अखीर च बेनती करना चाहता कि असी इन्हों की भड़काहट नहीं आन लगे, इन झूठे प्रचार में नहीं आन लगे, असी अपनी लाइन लंबी कर रहे, असी पंजाबी हैं, पंजाब के लोगों की सोच रहे, तो पंजाब के लोगों के फायदे वास्ते असी काम करना, नेक नीति और ईमानदारी करना। मैं 3 बार MC बनया, 3 बार जनरल वार्ड तो बनया, 2 बार म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान बनया खरड़ वर्ग के शहर च, मैं 3 बार MLA बनया, 1 बार आजाद भी लोगों ने जिताता सी, ओपोजिशन लीडर रहा पिछली बार कैप्टन दे नाल, सरकार आई है मुड़ के, ऐसे 3 महीने मुख्यमंत्री बनया, लोग हस हस कर उठे अज मेरी हो, मैं क्यों लोग पूछते हैं, क्योंकि 3 महीने के ना सुता है ना सौन दिता है, हर बंदे के काम आया, रात को 2 बजे भी कोई मिलन आ गया तो उन्होंने मिलया है, सवेर 6 बजे भी मिलन आ गया तो मिलया है, कैप्टन ही इलाके के बंदे आए थे रात को 1:30 बजे मिलया, इस करके बिजली के बिल माफ़ किए, पानी के माफ़ किए, पेट्रोल घटाया, डीजल घटाया, हर घर को राहत मिली है, जनरल कैटागरी कमीशन बनाया, भगवत गीता रामायण ते अध्ययन सेंटर खोलिया, गुरु रविदास जी ते अध्ययन सेंटर खोल रहे, सो असी हर वर्ग के काम किए तो कर रहे हैं, तो अज लोग एक तरफा हो के पंजाब दे भी साड़ी सरकार लेके आ रहे, ये सोचते हैं कि झूठ के नाल असी इस फेस नूं खराब करके नुकसान कर लाँगे, कुछ नहीं होंदा। देखो ये तरीका है, यदा तरीका है कि बिना मतलब झूठ के व्यापार खोल दो, हूँ तो इन्होंने देख लिया भी साढ़े पैर लगते हैं, दुआबे और मालवे का बिल्कुल, दुआबे और माझे बिल्कुल सफाया होगा, मालवे चुन मैं पहुँच गया, इन्हों का किला ढह गया, उत्थे भी सफाया हो रहा है, तो हूँ जब कुछ नहीं बन रहा तो आही प्रचार रह गया चन्नी आ रहा, यार आ जाते ना, पहला मैं कहा सी केजरीवाल नूं कि पंजाब च किते मेरे नाल इलेक्शन लड़ लिया, आ गई नहीं आया ना, हुण चाहुंदा कि उन्हूं हरा के भगवंत मान नूं हरा के ते मैं मुख्यमंत्री बन के लड़ लूँगा, लेकिन मैं फिर कह रहा कि मेरे हल्के पर मैनूं माण है, 25,000 ते घट दोनों हल्कियां जो किते नहीं जितूंगा, 50,000 तक गल जा रही है, और भगवंत मान बुरी तरह हार रहा, कल मैं जाके दिख लिया पूरे पंजाब दियां बीबी कोई ना वोट नहीं पा रही, खास तौर पर धूरी दे विच, क्योंकि धूरी दे विच कल मैं 100 खड़ा के पुछया, उत्थे 10,000 बंदा इकट्ठा होया हुआ सी, मैं कहा तुसी मैनूं 100 खा के दसो ईमानदारी नाल, पिछले 8 सालां तुहाडा MP है भगवंत मान 1 बार भी आया वोटां दे इलावा, सारिया ने हथ खड़े करके कहा कहते नहीं आया, एक बी मैं क्या कोई रिबन कट्टिया इन्हें आके, कहते नहीं, पूरे 9 हल्कों के जिते MP रहा हो एक भी प्रोजेक्ट नहीं लेके आया,
एक भी प्रोजेक्ट 9 हल्कों के मैं ओपोजिशन रहा अपने हल्के ओपोजिशन रह के भी यूनिवर्सिटी बन रही है, 2 कॉलेज बन रहे हैं, 100 बैड का हॉस्पिटल बन रहा है, अंडरब्रिज बन रहा है, सड़क चौड़िया हो रही हैं, सड़क बन रही हैं, ये 9 हल्कों च एक भी काम दस दे कि मैं आ कर मैं तो हैरान रह गया जब मैं धूरी के लोगों ने कहा कहते 8 साल च एक बार नहीं आया जिते जिते देखो नवजोत सिंह सिद्धू साडा पार्टी प्रेजिडेंट जो मॉडल है ऐसी मैनीफेस्टो च लेके आ रहे ये जेडे ऐलान किए हैं ये सारे चोन मैनीफेस्टो का हिस्सा है होंगे तो हैं ऐसी ऐसी वादे ही करने बहुते ज़्यादा वादे ही 5-7 करने लोगों के नाल फ्री एजुकेशन फ्री हेल्थ 1,00,000 नौकरी पहले साल ते इदां दे होर जिवें कि कल असी कीता कि गैस सिलेंडर देवांगे 8 लोड़मंद परिवारां नूं इस तरह के असी वो वादे करे जिहड़े असी निभा सकीए असी कोई उपर दियां गल्लां नहीं मारनी मैं फिर कह रहा जी ऐसी सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां फ्री एजुकेशन देनी है तो दूसरों वास्ते बाहरलिया वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम लेके आई है ऐसी स्कॉलरशिप बीसी स्कॉलरशिप जनरल कैटागरी स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऐसी चला रहे ओवरऑल होएगा जी एजुकेशन एजुकेशन ही रीढ़ की हड्डी है पंजाब की जिस दिन इस रीढ़ की हड्डी तकड़ा कर लिया तो पंजाब ने तकड़ा हो जाना मैं जो बोलता हूँ सच्चाई होती है नहीं बोलते ही नहीं सिर्फ 9 आदमी पे हैं लेकिन आम आदमी के 38 पे हैं अकाली दल के 60 पे आपकी रिपोर्ट के मुताबिक अरे भैया मैं आपकी बात कर रहा हूँ हाँ जी किसकी किसकी एक एक करके मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं मैं इलेक्शन कमीशन को बोल देता हूँ इनको छूट दे दो कुछ पंजाब को दे जाएं आज तक तो दिया नहीं है कल को ही अनाउंस कर जाए कि पंजाब का कर्जा माफ़ करेंगे पंजाब में इंडस्ट्री को टैक्स फ्री होगा कल को अनाउंस कर दें पंजाब को कोई 2-4 लाख करोड़ रुपए का कोई पैकेज दे जाएं हम कह देंगे जी ये बहुत अच्छे एक एक करके भाई एक मिनट हाँ जी हाँ जी मुफ्त में जो हमने कोई मुफ्त बांटने वाली बात नहीं की सुनो हमने बिजली के रेट कम किए हैं तो बिजली के जो गलत अग्रीमेंट थे वो कैंसिल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये मान ली गई है बात कि सही कैंसिल किए हैं सबसे बड़ा पंगा बिजली दे जेड़े समझौते हुए सी वो बादलों ने गलत किए हुए सी उन्हां च लुट हो रही सी मैं उहदे 17 रुपए 38 पैसे बिजली खरीदी जा रही सी ऐसी 3 महीने सरकार चलाई है 2 रुपए 38 पैसे खरीदी है और उस करके असी रेट घटाए है इस करके बकाए माफ किए हैं ऐसी हर गल मैं इकनोमिक्स का स्टूडेंट इकनोमिक्स पढ़ी है पंजाब की इकोनमी अर्थव्यवस्था परमात्मा ने मौका देना है और मैं ठीक करनी है ये जेडे कर्जे कुर्जे सब तो दागा पंजाब एक बहुत ही शानदार स्टेट आने वाले दिन बन जाएगा बहुत धन्यवाद थैंक यू